हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे प्रिंस शिववेद और प्रियंका गुप्ता ने गौतम को इंस्टाग्राम पर टारगेट किया और ऋषभ ने कैसे गौतम का स्टैंड लिया। साथ में हम ऋषभ दिग्विजय और शिववेद के रिसेंट फाइट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है, रिसेंट प्रोमो में प्रिंस और गौतम की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में गुस्से में प्रिंस गौतम को कुत्ता और डेक्स बोलते हैं, जिस वजह से प्रिंस ने गौतम को लेकर एक रील्स डालकर ये लिखा, डेक्स बोलने और कुत्ता बोलने वाले हीरो साहब, दिस इज द रियलिटी। इस रील में भी और लाइफ में भी दम रखो सामने बोलने का। भूल गए थे क्या कैमरा भी है? और हाँ, मुझे हर्ट हो रहा है भाई। गॉड ब्लेस यू, जनता सब जानते हैं, मैं कोई झूठी इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। प्रिंस के इस रील में प्रिंस ने अपना और गौतम का बिग बॉस के टास्क करने वाले, टॉलरेट करने वाले एबिलिटी को मॉक किया था। अगर आप लोगों ने उस पोस्ट को नहीं देखा है तो प्रिंस के इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हो। खैर, गौतम ने प्रिंस को इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा, प्रिंस और गौतम ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। लास्ट एपिसोड में गौतम ने अपने गैंग को, प्रिंस और उनके गैंग को हिंट करके ये बोला था, शेर अभी शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते राज करेंगे, जिस वजह से शिववेद ने गौतम को टारगेट करते हुए दो स्टोरीज डाला था। एक स्टोरी में शिववेद ने लिखा, सबको पता है कौन डेक्स है और कौन शेर है, जितने ये सुन के हंस रहे हैं ये रेस्पेक्ट की बातें करते हैं, चाटते रहो बस और कुछ नहीं बको। शिववेद के और एक स्टोरी में शेर शांत थे, वो कुत्ते राज कर रहे थे, अब देखते हैं कौन राज करेगा। बस शिववेद ही नहीं, प्रियंका गुप्ता ने भी गौतम को टारगेट करते हुए एक स्टोरी को रिपोस्ट किया था। उस स्टोरी में ये लिखा था, जब प्रिंस टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो भोंकने वाले बस भोंकते ही रह जाते हैं, असली शेर इस फील्ड का प्रिंस। तो शिववेद और प्रियंका गुप्ता गौतम को टारगेट करते हुए देखकर ऋषभ ने गौतम का स्टैंड लिया और ऋषभ ने एक स्टोरी में ये लिखा, मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, कह के किसी की बेइज्जती करना इज नॉट कूल, सबको बोलना कि गैंग लीडर की रेस्पेक्ट करो और खुद दूसरे गैंग लीडर की डिसरेस्पेक्ट करना इज नॉट कूल, दूसरे इंसान को हर्ट करके सॉरी ना बोल के अपनी इमेज ठीक करने के लिए सॉरी बोलना इज नॉट एट ऑल कूल, नो हेट जस्ट फैक्ट। ऋषभ के और एक स्टोरी में, हारने के डर से सच ना बोलना उससे बड़ी हार है। ऋषभ ने एक रील भी शेयर किया था, उस रील में रिया और गौतम कैसे अपने गैंग को अप्रिसिएट करते हैं जबकि प्रिंस अपने गैंग को बस डांटते रहते हैं, ये कंपेयर किया गया था। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्टोरी के बारे में। तो ऋषभ ने अपना और दिग्विजय का एक फोटो डालकर ये कहा, जस्ट इमेजिन अगर हम दोनों गेम में एक साथ खेल रहे होते। फिर दिग्विजय ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करके कहा, अरे भाई गेम ओवर हो जाती। और शिववेद ने ऋषभ और दिग्विजय को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो डाला, उस वीडियो में शिववेद ने कहा था, तुम दोनों एक साथ ही तो खेल रहे थे, क्या उखाड़ लिया तुम दोनों ने उसके बाद भी। आगे के एपिसोड में दिख ही जाएगा क्या उखाड़ लिया तुम दोनों ने। जिस बंदे की तुमने फोटो लगाई है उस बंदे ने तो अपने गैंग के लिए खेल ही नहीं रहा था। ये वार फिर से चालू मत करो, वरना पिछली बार जो तुम दोनों को हेट्स मिले थे तुम लोगों को बोलना पड़ा था। मत करो, प्यार से रहते हैं और प्यार से जीते हैं। और एक स्टोरी में शिववेद ने ऋषभ को टॉन्ट मारते हुए टिड्डी के साथ एक स्टोरी डालकर कहा, टिड्डी बहुत लॉयल है। उसके बाद दिग्विजय और शिववेद का काइंड ऑफ वॉर शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के रोडीज रिलेटेड वीडियोस डालकर एक दूसरे को एक्सपोज करने लगे। दिग्विजय ने एक वीडियो शिववेद का डालकर कहा, अपने प्रिंस भाई का नहीं हुए और गैंग के होने की बात करते हैं। दिग्विजय के और दो पोस्ट में, द रियल बिश डजंट स्टे इन क्राउड, काफी अकेला हूँ, अकेला काफी हूँ। फिर शिववेद ने भी दिग्विजय के लास्ट एपिसोड के रिलेटेड कुछ रील शेयर करके उन्हें दोगला बोला था। अभी मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को शिववेद का वीडियो देखना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हैं, मैं वहां पर कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगी। और गाइस, आज के वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।